हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? हमने इन द लास्ट लेक्चर बेटा जी अपना पढ़ना शुरू कर दिया था यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर को, और हम लोगों ने वहाँ पे चार बीमारियां पढ़ ली थी। तो हमने लास्ट जब अपना टॉपिक जो पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने हेडिंग डाली थी यहाँ पे इन दो बीमारियों के बारे में बातें की थी बेटा जी, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया और हमने थैलेसीमिया को पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार भी जब आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें 3 नंबर में क्वेश्चन आया था कि दोनों डिजीज का कैसे इनहेरिटेंस होता है उनके बारे में, इस बार भी क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी, दोनों हमारे आरबीसी से रिलेटेड है, दोनों हमारे बेटा यहाँ पे आरबीसी से रिलेटेड है, दोनों में आरबीसी में प्रॉब्लम होगी, बट क्या होगी वो अलग अलग चीजें होगी यहाँ पे, तो जरा समझ के देखना है यहाँ पे। मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी हमारा आरबीसी, आप कहते हो रेड ब्लड सेल, उसके अंदर बैठा होता हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और उस पिगमेंट का बेटा जी नाम होता है यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है इसे अच्छे से बेटा जी। यहाँ पे हीमोग्लोबिन इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये रेड कलर का पिगमेंट है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ 4 तो बेटा जी उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, वो तो होते हैं हीम के, और हीम में बैठा होता है बेटा जी आयरन। वो किस स्टेट में होता है बेटा जी आपका? Fe2 स्टेट में होता है। तो मैं कहूंगा 4 अगर हीम है तो 4 इसमें क्या होंगे आपके? Fe पार्टिकल होंगे आपके। तो सर ये 4 बना होता है बेटा जी आपका यहाँ पे ग्लोबिन का, कितने ग्लोबिन का बेटा जी? 4 ग्लोबिन का बना होता है। उन 4 ग्लोबिन में होते हैं 2 तो बेटा जी अल्फा, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी आपके यहाँ बीटा। तो आप ये कहते हैं हमारे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अल्फा 2 और बीटा 2। वैसे मैं आपको बता दूं आपका अलग अलग प्रकार का होता है, हमारा 97% जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है? अल्फा 2 और बीटा 2 है। 3% जो होता है वो होता है हमारा अल्फा 2 और डेल्टा 2, पर हम उसकी बातें नहीं कर रहे, हम आपसे यहाँ पे मेजोरिटी की बातें करते हैं कि हमारा अप टू द 90% हीमोग्लोबिन अगर किसी टाइप का है तो बेटा किस टाइप का? यहाँ पे आपका अल्फा 2 और बीटा 2 का। दोबारा वर्ड रिपीट करता हूँ, आपके जैसे ब्लड में बैठी होती है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर बैठा होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम होता है बेटा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। ये 2 चीज से मिलके बनता है हीम से और ग्लोबिन से। मैंने नंबर की बात की बेटा जी, एक हीमोग्लोबिन में 4 तो होते हैं हीम और 4 होते हैं बेटा ग्लोबिन। तो आपने कहा हीम जो होता है उसमें क्या बैठा होता है बेटा जी? आयरन, जहां पे जाकर ऑक्सीजन आपका बाइंड होता है। हीम में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेज होता है वो कितना होता है बेटा जी? यहाँ पे आपका 2 होता है। चलिएगा, आपने कहते सर ग्लोबिन जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, या तो हम बोलते हैं अल्फा चेन या हम बोलते हैं बीटा चेन। तो मैं कहूंगा 2 तो है अल्फा, 2 क्या है बीटा है, तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फा 2 और बीटा 2। ठीक बात है। अब अगर ये ग्लोबिन है या अगर प्रोटीन है तो डेफिनेटली इन प्रोटीन को बनाने वाला कहीं ना कहीं क्या बैठा होगा? जीन बैठा होगा। मैंने कहा अगर ये यहाँ पे प्रोटीन है ग्लोबिन है तो इनको बनाने वाला हमारे पास क्या बैठा होगा? जीन बैठा होगा। अब हम उस जीन की बात करते हैं, जरा समझिए बेटा। मैंने कहा हमारे पास 2 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर आपको बेटा ध्यान रखना है। मैंने कहा ये हमारा है क्रोमोसोम नंबर 11, क्या बेटा? क्रोमोसोम नंबर 11। ऐसे में बना रहा बेटा जी, ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर 16, इनके पास जीन बैठे। तो मैं कहूंगा 11 के पास बैठा होता है बेटा जी आपका यहाँ पे जीन दैट कोड फॉर द बीटा चेन, दैट कोड फॉर द बीटा चेन। और आपने कहा यहाँ पे 11-16 वाले के पास जीन बैठे होते हैं, आप ही कहते हो दैट कोड फॉर द अल्फा चेन। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कुछ चीजें समझाई है, क्रोमोसोम नंबर 11 में एक ही अलील होता है, एक ही जीन होता है क्रोमोसोम के अंदर जो कोड करता है बीटा चेन के अंदर, एक क्रोमोसोम में एक ही जीन होता है। बट इन द केस ऑफ 16 में अल्फा चेन को बनाने वाले एक ही क्रोमोसोम में कितने जीन बैठे हैं बेटा? 2 जीन बैठे। तो मैं कहूंगा अगर मैं डिप्लोइड इंडिविजुअल की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा जी? डिप्लोइड की बात करूं तो मैं ऐसा कुछ कहूंगा ये एक क्रोमोसोम है ऐसा है उसके पास बेटा जी, उसका पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो इसके पास भी यहां क्या बैठा होगा? बीटा। तो मैं कहूंगा बीटा चेन के लिए मैक्सिमम 2 अलील होते हैं, बीटा चेन के लिए मैक्सिमम कितने अलील होते हैं बेटा जी? 2 अलील होते हैं एक इंसान में। पर अगर आप बातें करोगे अल्फा के लिए, तो मैं कहूंगा अल्फा के लिए क्रोमोसोम में ही 2 अलील होते हैं, तो मैं कहूंगा इंडिविजुअल में कितने अलील होते हैं बेटा जी उसके यहाँ पे? तो आप कहोगे सर उसके लिए 4 अलील्स होते हैं। किस चेन के लिए बेटा जी? अल्फा चेन इज कोडेड बाय द 4 अलील इन एन इंडिविजुअल, याद रहेगी बात बेटा जी। ये मैंने कहा 16 नंबर का पेयर क्रोमोसोम, ये बेटा जी 11 नंबर वाला, 11 वाले के ऊपर क्या बैठा है बेटा जी? बीटा चेन को कोड करने वाला, और 16 नंबर वाले के पास बैठा है बेटा जी अल्फा चेन को कोड करने वाला। यहां तक की बात सही है? और अच्छी बात समझते हैं सर। अब क्या होता है, ये बीटा वाला जो जीन होता है मैं उसमें डीएनए को समझा रहा हूं। आपने कहा सर डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड का होता है,
तो मैंने डीएनए की डबल स्ट्रैंड बना दी बेटा जी। डीएनए की क्या स्ट्रैंड बनाई मैंने बेटा जी, ये एक स्ट्रैंड है, उसमें एक बेस पर बैठा हुआ है सीटीसी, और आपने कहा सर दूसरा जीएनसी, दूसरा वाला क्या है बेटा जी, यहां पे आपका सीटीसी, ये है हमारी सीक्वेंस जो हमारे डीएनए के अंदर बैठी होती है। अब आपने कहा सर यहां पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, तो पहले एक बार बात समझ के देखिएगा, ये अगर यहां पे आरएनए बनाएगा, इसके ऊपर अगर आरएनए बने तो आरएनए के पास कोडोन आ जाएगा, कौन सा बेटा जी आपका यहां पे, ये बन गया आपका आरएनए, और ये मैंने बनाया बेटा जी यहां पे डीएनए, ठीक है। तो आपने कहा सर ये जो होता है कोड करता है किस अमीनो के लिए बेटा जी, यहां पे आपका फॉर द ग्लूटामिक अमीनो एसिड, और ये मैं जो कोडोन बता रहा हूं प्रेजेंट होता है बेटा जी एट द सिक्स्थ पोजीशन। दोबारा समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना सर, ये जीन है, जीन में ऐसे बहुत सारे डीएनए बैठे होंगे, तो मैं कहूंगा जब ये जीन अपने आपको एक्सप्रेस करेगा तो ये जेनेटिक कोड को बनाएगा, और आपका जेनेटिक कोड जो होता है वो तीन बेस पेयर का ग्रुप होता है, कितने बेस पेयर के बेटा, तीन बेस पेयर ग्रुप होता है। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बात की है कि जेनेटिक कोड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर ए काइंड ऑफ द अमीनो एसिड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बोला एक जेनेटिक कोड जो होता है वो तीन बेस पेयर से मिलकर बनता है, तो मैंने कहा बीटा चेन में जो सिक्स जेनेटिक कोड है, बीटा चेन में जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो जो सिक्स जेनेटिक कोड है वो क्या है बेटा जी, वहां पे जीएजी है, कौन से नंबर का बेटा जी, सिक्स पोजीशन वाला जो जेनेटिक कोड होता है उसका नाम क्या होता है, जीएजी होता है। और आपने कहा सर ये जो जीएजी होता है ये कोड करते एक अमीनो एसिड के लिए, उस अमीनो एसिड का नाम क्या होता है बेटा जी, यहां पे ग्लूटामिक एसिड। यहां तक की बात सही, और आपको सर अगर ऐसा एक कंडीशन है डीएनए में तो उसमें एक नॉर्मल बीटा चेन होगी, और आप एक कहोगे सर वो जीन नॉर्मल होगा, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी जीन होगा, सब तरह की बातें होगी। अब हो जाता है बेटा जी मॉडिफिकेशन, अब हो जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या हो जाता है यहां पे, आप ही कहते हो सर म्यूटेशन हो जाता है सर, ये तो है डीएनए और ये उसके ऊपर बना आरएनए, समझो जरा यहां पे आपने कहा सर यहां पे था जीएजी और इस बेस पेयर के ऊपर म्यूटेशन हो गई और ए को रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा, टी के द्वारा। मैंने कहा कोई डिलीशन नहीं हुआ यहां पे, कोई डिलीशन नहीं हुआ, कोई एडिशन नहीं हुआ, एक्चुअली क्या हुआ बेटा जी यहां पे आपका रिप्लेस हुआ है, क्या बेटा जी यहां पे एडेनिन इज रिप्लेस बाय द थाइमिन, और अगर ऐसे एक रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपको सर इट इज एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। किसका एग्जांपल है बेटा जी, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल। और क्या हुआ बेटा जी यहां पे सर, यहां एक ही जगह टी आ गया, तो मैं कहूंगा अब इस रिप्लेसमेंट के बाद मैं कहूंगा ये कंडीशन है बेटा जी म्यूटेशन की। बेटा किसकी कंडीशन है आपकी, म्यूटेशन की होगी, आपने कहा चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, समझो बात को यहां पे, सर ए को चेंज करके क्या आ गया यहां पे, टी आ गया, ठीक है। तो आपने कहा सर डेफिनेटली डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड में भी क्या हो गया, जो सीटीसी था वहां क्या आ गया, सीएसी आ गया, और अब इसके ऊपर अगर एमआरएनए बनेगा, इसके ऊपर अगर एमआरएनए बनेगा क्या होगा, सी के सामने क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ए के सामने यू आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, तो मैं कहूंगा अब जो नया कोडन बन गया वो क्या बन गया यहाँ पे, जीयूजी बन गया, जो पहले क्या था बेटा जी जीएजी। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन द सिक्स्थ कोडोन, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन द सिक्स्थ कोडोन ऑफ द बीटा चेन गेट ट्रांसफर या गेट चेंज फ्रॉम जीएजी टू द जीयूजी। म्यूटेशन की वजह से छठी पोजीशन का जो कोडोन है बेटा जो चेंज हो गया जीएजी से क्या बेटा यहां पे जीयूजी, और जीएजी जो था वो कोड कर रहा था किसको लेके बेटा जी, ग्लूटामिक एसिड को लेके, बट जीयूजी जो होता है बेटा जी ये कोड करता है यहां पे फॉर द वैलिन अमीनो एसिड। बेटा ये कोड करता है फॉर द वैलिन अमीनो एसिड। तो जरा कहानी कुछ समझ के देखो दोबारा से, मैंने कहा क्या होता है बेटा जी यहां पे, इन द सिकल सेल एनीमिया डिजीज, इन द सिकल सेल एनीमिया डिजीज द सिक्स्थ पोजीशन कोडोन ऑफ द बीटा चेन, द सिक्स्थ पोजीशन कोडोन ऑफ द बीटा चेन दैट इज जीएजी गेट चेंज इनटू द जीयूजी एंड ए ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन अमीनो एसिड। ग्लूटामिक अमीनो एसिड रिप्लेस बाय द वैलिन, मतलब छठी पोजीशन पे होना क्या चाहिए था बेटा जी, ग्लूटामिक होना चाहिए था, बट हो क्या गया बेटा जी वैलिन। तो मैं कहूंगा ऐसा एक म्यूटेशन हो गया, तो इस म्यूटेशन से फर्क क्या पड़ा था, आप एक कहोगे सर नॉर्मल हमारा जो आरबीसी होता है वो होता है बेटा जी आपका यहां पे बाय कॉनकेव शेप का।
आपने कहा हमारा नॉर्मल आरबीसी जो होता है वो होता है बेटा जी आपका बाइकॉन्केव शेप का, बाइकॉन्केव डिस्क शेप का। बट अब अगर बीटा चेन में ये एक बदलाव हो गया तो क्या होगा, जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की टेंशन क्रिएट होगी, ऑक्सीजन का एक कमी महसूस होगी हमारे बॉडी को, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा जी आपका यहाँ पे हमारे जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो उस टाइम पे बेटा जी यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसका हो जाएगा पॉलीमराइजेशन, इसका क्या हो जाएगा पॉलीमराइजेशन, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा जी यहाँ पे जो बाइकॉन्केव की जो शेप है बेटा जी ये कन्वर्ट हो जाएगी बेटा जी आपके यहाँ पे इलोंगेटेड सिकल शेप। दोबारा बड़े को समझ लेना, छोटी छोटी बात थी आपको समझना है, क्या समझना है, सिकल सेल एनीमिया इज ए पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा मैंने पॉइंट बोला, इन द सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन ऑकर इन द जीन दैट कोड फॉर द बीटा ग्लोबिन, म्यूटेशन ऑकर इन द जीन दैट कोड फॉर द बीटा ग्लोबिन। मैंने थर्ड पॉइंट बोला बेटा जी, इन द सिकल सेल एनीमिया डिजीज द सिक्स पोजिशन कोडॉन ऑफ द बीटा चेन गेट ट्रांसफर और गेट कन्वर्टेड फ्रॉम जीएजी टू द जीयूजी एंड ए ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन अमीनो एसिड। हो गया, फिर मैंने अगला पॉइंट बोला यहां पे, ड्यू टू दिस चेंज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन गेट डिक्रीज। ये बदलाव की वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो क्या होगी डिक्रीज होगी। तो अब अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मैं कहूंगा बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो मैं कहूंगा खिंचाव पैदा हो जाएगी, टेंशन क्रिएट हो जाएगी मेरी बॉडी में ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। सही बात है, तो आपने कहा सर वो जो खिंचाव पैदा होगा उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे आपका जो हीमोग्लोबिन अभी जो म्यूटेटेड वाला बन रहा है बेटा, इसका होगा पॉलीमराइजेशन, इसका क्या होगा पॉलीमराइजेशन, और उस पॉलीमराइजेशन की वजह से जो एक बाइकॉन्केव शेप का जो एक नॉर्मल आरबीसी था उसकी शेप चेंज होकर कैसी बन गई बेटा जी यहाँ पर की इलोंगेटेड सिकल शेप की होगी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे तो आरबीसी की शेप चेंज होगी, कैसी होगी बाइकॉन्केव से वो इलोंगेटेड सिकल शेप का हो गया। मैं कहूंगा इसका मतलब यहाँ इस बीमारी का नाम क्या रख दें यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। समझ में आ गया, दोबारा वर्ड को सुन लेना, ड्यू टू द म्यूटेशन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी of the hemoglobin get decrease, pehla point, dusra main point bola, as the oxygen tension get created within the body it lead to polymerization of the hemoglobin and it ya main kahunga polymerization lead to conversion of a biconcave shape normal rbc into the elongated sickle shape rbc, uski shape bhi change ho jayegi। तो आपने दो बातें कर ली सर, शेप भी चेंज होगी नॉर्मल से कैसे होगी बाइकॉन्केव, और उसके साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो रही है डिक्रीज हुई, इसकी वजह से सारा बदलाव आया। ठीक बात है, अब बात को समझ के देखिएगा, मैं आपसे पूछूं सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ए क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, मैंने वर्ड क्या यूज किया, मैंने कहा इट इज ए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये कैसी बीमारी है भाई, क्वांटिटी क्या होती है नंबर की बात करते हैं अमाउंट की बात करते हैं, क्वालिटी सर उसकी कैसा है वो किस टाइप का बन रहा है यहां पे, हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आरबीसी के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आरबीसी की जो क्वालिटी थी आरबीसी को जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं है, उसकी क्वालिटी क्या हो गई यहां पर चेंज हो गई। वर्ड को समझ के देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा भाई आरबीसी को जैसा होना चाहिए था ये आरबीसी वैसा नहीं है, इसकी क्वालिटी क्या होगी बेटा यहाँ पे चेंज हो गई, इसकी क्वालिटी क्या हो गई यहाँ पे चेंज हो गई। तो मैं कहूंगा भाई अगर क्वालिटी चेंज हो गई तो डेफिनेटली ये कैसे इनहेरिटेंस है बेटा जी, इज ए क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ये वर्ड को बड़ी अहमियत को समझना बेटा जी, पेपर में आता है एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, तो आपको किसकी बात करनी है बेटा जी यहाँ पे आपको सिकल सेल एनीमिया की बातें करनी है। आपने ये कहा एक आरबीसी की जो क्वालिटी थी जो एक नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप का था वो चेंज होकर कैसा बन गया बेटा जी यहाँ पे सिकल शेप का बन गया, उसकी जो एक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी वो क्या हो गई वहां पे डिक्रीज हो गई, उसकी क्वालिटी चेंज कर दी आपने यहाँ पे, बट उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बात आपको यहां समझनी चाहिए। तो क्या समझे इसके अंदर यहां पर इन द सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, जहां पे क्या होगा ए जीएजी codon at the sixth position get converted into the GUG and the glutamic acid replaced by the valine, और इस बदलाव की वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, और जब एक टेंशन क्रिएट होगा उस टाइम पे हीमोग्लोबिन का होगा बेटा पॉलीमराइजेशन, और उसकी वजह से
आप ये कहोगे एक नॉर्मल सेल कैसे होगी लॉन्ग ब्लीडिंग, तो मैं कहूंगा उसकी क्वालिटी क्या होने वाली, चेंज होने वाली है। समझ में आ गया सिकल सेल एनीमिया? फिलहाल समझ रहा मैं उसको समझा रहा हूं, पहले दोनों को समझ रहा, बाद में लिखना इनको स्टेप बाय स्टेप करके। फिलहाल समझ में आ गई? चलिए अब मैंने क्या कहा, ये तो था सिकल सेल एनीमिया। अब मैं अगले एग्जांपल को समझाता हूं। अब मैंने कहा भाई अब अगली कंडीशन आती है कि भाई ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द बेस पेयर क्या हो जाए, आइदर बीटा में या अल्फा में। चलो हम किसी एक की बात कर लेते हैं फिलहाल, आपके हम बीटा चेन की बात कर लेते हैं फिलहाल, बीटा को समझते हैं कि भाई इस जीन में इस बार जो म्यूटेशन वो वैसा नहीं हुआ जो अभी आपने पड़ोसी के सर में बोला, अभी और टाइप का म्यूटेशन अगर हो जाए और वहां पर उस म्यूटेशन में डिलीशन ऑफ द बेस पेयर हो जाए, म्यूटेशन बेटा क्या हो जाए, डिलीशन ऑफ द बेस पेयर हो जाए, उसकी वजह से क्या हो जाए, आप एक अवसर बीटा चेन बने ही ना। आपने कहा भाई ड्यू टू द डिलीशन इन द बीटा चेन कोडिंग जीन प्रेजेंट ऑन द क्रॉस नंबर 11 देयर इज अ लेस सिंथेसिस ऑफ द बीटा चेन और देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ द बीटा चेन। अब सोचिएगा अगर बीटा चेन सिंथेसाइज ही नहीं हो रही, उसका सिंथेसाइज करने का जो रेट था बेटा वो डिक्रीज हो गया। मैंने कहा उसकी क्वांटिटी जितनी बननी चाहिए थी उतनी नहीं बन रही, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सोचो सर अल्फा तो प्रॉपर बन रही है पे, पर बीटा प्रॉपर नहीं बन रही, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन को बनने के लिए तो बेटा जी अल्फा 2 और बीटा 2 चाहिए। जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर अमाउंट में होगा तो ही क्या होगा बेटा जी, वहां पे आपका आरबीसी बनेगा मेरे भाई आपका। तो आपने कहा सर इस कंडीशन में देयर इज ए लेस फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो मैं कहूंगा इस कंडीशन मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या हो जाएगा बेटा जी, डिक्रीज हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे, उसका सिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं कहूंगा आरबीसी का नंबर मेरी बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन अगर बन जाए तो वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका थैलेसीमिया। डिफरेंस को समझो, यहाँ पे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, और एक बाइक उनके शेप का क्या हो जाता है बेटा जी, यहाँ पे आपका बन जाता है सिकल शेप का। आपने कहा ये जो है इट इज एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, मैं कहूंगा इट इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जहां पे क्या हो जाता है बेटा जी, डिलीशन ऑफ द बेस पेयर होता है। डिलीशन ऑफ बेस पेयर की वजह से आप एक कहते देयर इज लेस सिंथेसिस ऑफ द बीटा चेन। अभी एग्जांपल के टाइप की बात करूंगा, फिलहाल बीटा का एग्जांपल लेके समझिए बेटा। अब अगर बीटा चेन कम बनेगी तो आप कहोगे सर अल्फा तो खूब सारी बन रही है पर बीटा तो नहीं बन रही, तो खाली अल्फा से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनने के लिए क्या चाहिए बेटा जी, अल्फा 2 और बीटा 2 चाहिए, मतलब दोनों बराबर चाहिए। अब अगर दोनों बराबर नहीं होंगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन अगर कम बनेगा तो मैं कहूंगा डेफिनेटली मेरी बॉडी में आरबीसी का अमाउंट कम होगा, तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में मुझे अनीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन मेरी बॉडी में फिर भी क्या होगा, कम डिफ्यूज होगा, कम कैरिड आउट होगा, बट यहां पे मेरा आरबीसी का नंबर, मेरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नंबर कम हो रहा है। इट इज ए क्वांटिटेटिव डिस इनहेरिटेंस, इट इज ए क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। यहां पे क्वालिटी चेंज नहीं, क्वालिटी अभी भी कैसी उसकी, यहां पे बाय कॉनकेव ही है, बट यहां पे उसकी क्वांटिटी क्या होगी बेटा जी, यहां पे डिक्रीज होगी। मैंने हीमोग्लोबिन में नहीं कहा कि वो डिफेक्टिव है, मैंने कहा हीमोग्लोबिन तो सही बन रहा है यहां पे, बट बन कम रहा है, क्योंकि यहां पे बीटा चेन को बनाने वाला जीन क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया, और यहां पे जो टाइप ऑफ म्यूटेशन हुई बेटा वो कौन सी हुई, यहां पे डिलीशन वाली हुई। समझ में आती है बात? अब आप कहोगे सर जरूरी है कि बीटा हो, मैं कहूंगा नहीं जरूरी नहीं है यहां पे, तो मैं कहूंगा थैलेसीमिया जो होती है फर्दर ऑफ टू टाइप, या तो मैं कहूंगा अल्फा थैलेसीमिया या मैं कहूंगा बीटा थैलेसीमिया। मैं कहूंगा थैलेसीमिया इज ऑफ टू टाइप, कौन सी दो टाइप की बेटा जी, या तो अल्फा थैलेसीमिया या फिर आपके यहां पे बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, मैंने कहा इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन द अल्फा चेन कोडिंग जीन, देयर इज अ म्यूटेशन इन द अल्फा चेन कोडिंग जीन एंड देयर इज लेस सिंथेसिस ऑफ द अल्फा चेन, देन द टाइप ऑफ द थैलेसीमिया इज नोन एज अल्फा थैलेसीमिया। इस कंडीशन म्यूटेशन कहां पे हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे हो रहा है। अगला मैंने बोला इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द बीटा चेन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 एंड देयर इज लेस सिंथेसिस ऑफ द बीटा चेन, दोनों कंडीशन चाहे ये म्यूटेट हो जाए चाहे ये हो जाए, कुल मिला के हीमोग्लोबिन कर्व बनेगा, तो मैं कहूंगा इसके फर्दर तो टाइप हो सकते हैं, बट कहानी को समझ कर देखो, ये क्वालिटेटिव डिजीज है और ये बेटा जी यहां पे क्वांटिटेटिव डिजीज है। दोनों यहां पे आरबीसी के डिजीज है, दोनों यहां पे ब्लड के डिजीज है, दोनों के अंदर ब्लड के अंदर पिगमेंट है उसमें प्रॉब्लम आने वाली, एक में उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है, एक में उसकी क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है, तो मैं कहूंगा दोनों के अंदर प्रॉब्लम क्या है बेटा जी, यहां पे उसकी क्वालिटी चेंज होगी, यहां पे उसकी क्वांटिटी चेंज होगी,
परसों में ही बातें क्या है मीटर की, जीन कहाँ बैठा आपका ऑटो सोमल बैठा है, तो चीन दोनों में सेम है यहाँ पे, बट दोनों में कंडीशन कैसी होगी बेटा यहाँ पे अलग अलग होगी। अब आप इनको सेपरेट करके लिखना, सबसे पहले हेडिंग डालना थैलेसीमिया की, उसमें जो मैंने पहले कहानी समझाई थी उसको लिखना है बेटा जी, फिर हेडिंग डालना थैलेसीमिया उसमें लिखना इट इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर इन विच द जीन दैट कोड फॉर बीटा और अल्फा गेट म्यूटेटेड एंड देयर इज लेस सिंथेसिस of the beta or alpha chain due to which there is a less amount of formation of hemoglobin and the quantity of the hemoglobin get decrease. इसमें ये लिखना है. It is further of two type. If the mutation occur in the alpha chain coding gene present at the chromosome number 16, then known as alpha thalassemia. And if there is a mutation in the gene present on the 11 number code for the beta chain, then the type of the thalassemia is known as beta thalassemia. इसके लिए maximum allele कितने हैं? चार है मेरे भाई इंडिजन में, इसमें कितने है बेटा जी? टू है यहाँ पे, ये नंबर की बात हो रही है यहाँ पे आपकी, बट कहानी क्या है उसको समझ कर देखो बेटा जी, ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है तो ये कैसा है यहाँ पे क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, दोनों है किसके बेटा जी? ब्लड के हैं दोनों यहाँ पे, आरबीसी के हैं दोनों बेटा जी यहाँ पे आपका, रेस्पिरेटरी पिगमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी में क्वालिटी चेंज तो किसी में उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, दोनों है एक जैसी बीमारी है, दोनों में मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, दोनों में मेरे को बीमारी होगी अनीमिया की। देखो ये नाम भी लिखा अनीमिया, अनीमिया क्या होता है? जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनीमिया, या मैं कहूंगा ब्लड की कमी हो जाए या उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, सब कंडीशन क्या कहलाते हैं? अनीमिया। तो कंडीशन पर अलग अलग है, देखिएगा कहानी को, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इनहेरिटेंस को समझ के देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ सिकल सेल एनीमिया का बिल्कुल वैसा ही होगा किसका बेटा? थैलेसीमिया का। समझ कर इसको इनहेरिटेंस को, जरा सोचो कंडीशन क्या लेके चलते हैं, हेटेरोजाइगस के लिए चलते हैं बेटा। एक कपल है तो मैंने कहा भाई ये उसका मैंने हीमोग्लोबिन बना दिया अडल्ट वाला, इसको मैंने लिख दिया बेटा हीमोग्लोबिन फॉर द सिकल सेल एनीमिया। ये है बेटा जी मेल, ऐसे मैंने बना दिया बेटा जी फीमेल, ये है बेटा जी उसका नॉर्मल, ये मैंने बना दिया बेटा सिकल सेल। समझ के देखो, ए का मतलब अडल्ट, अडल्ट में जैसी होनी चाहिए वैसा है, मतलब अल्फा टू बीटा टू वाला ही नॉर्मल जीन है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे सिकल सेल वाला, क्योंकि हम भाई यहाँ डिप्लॉयड है ना, तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जीन्स हमारे पास अलील दो दो है, तो मैं कहूंगा एक तो नॉर्मल अलील है, एक कैसे बेटा जी यहाँ पे मॉडिफाइड अलील है। चलिएगा, आपने कहा सर यहाँ पे गैमेट बनी, तो आप कहोगे सर एक तो ऐसा बन गया और एक यहाँ ऐसा बन गया, और ऐसे सेम टाइप के अलील आपके यहाँ बनेंगे। समझ के देखो, लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन लगेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब आपने कहा सर यहाँ हम सोच के देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस को बना के देखते, देखो जरा ये वाला जो होगा वो कैसा होगा बेटा जी? नॉर्मल होगा। ये वाला आपने कहा सर हेटेरोजाइगस होगा, ये वाला बेटा जी हेटेरोजाइगस होगा, बट इस वाले को देखो बेटा जी, दोनों के दोनों जीन बेटा जी मॉडिफाइड आके दोनों दोनों बेटा जी डिफेक्टिव आके, तो मैं कहूंगा इट बिकम डिफेक्टिव, इसको हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। तो वही सेम बात है बेटा जी, there is a chance of a 25% probability, yeah, there is a chance of 25% to a defective offspring in a couple that are the carrier. अगर दोनों husband and wife यहाँ पे carrier है तो यहाँ पे 25% probability है एक defective बच्चा क्या होगा time पे पैदा हो जाए। तो ये तो सब जब भी आप autosomal की किसी की बात करो सब में answer same same चल रहा है यहाँ पे आपका, inheritance सब का same same है यहाँ पे, but representation कैसे कर रहा हूँ उसको समझ के देखो यहाँ पे, मैंने ये word क्यों use किए उसको समझ के देखेगा बेटा जी, समझ में आ गया यहाँ पे? चलिएगा बेटा जी, ये इनहेरिटेंस की बातें कर ली मैंने यहाँ पे आपकी कि इस तरह की इनहेरिटेंस उसका बेटा जी यहाँ पे, बट दोनों जो टाइप ऑफ डिसऑर्डर है वो अलग अलग है। एक है बेटा जी यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव, तो एक कौन है बेटा जी यहाँ पे क्वांटिटेटिव, एक में हीमोग्लोबिन जो बनता है उसका अमाउंट कम होगा, एक में उसकी क्वालिटी चेंज होगी। बहुत छोटी छोटी बातें समझ के रखना बेटा जी, बात मैंने स्पेसिफिक बेटा जी पेपर में आपका कोडोन का भी नाम पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर कोडोन बताओ सिक्स पोजीशन पे कौन सा, तो कोडोन मैंने क्या बताया बेटा जी आपको जी यू जी, नॉर्मल वाले का नाम क्या था जीएजी, तो याद रखना जीएजी गेट कन्वर्टेड इनटू द जीयूजी, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन अमीनो एसिड। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है सिकल सेल एनीमिया में। नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसे बताया बेटा जी मैंने यहाँ पे बाय कॉनकेव, वो कन्वर्ट होकर क्या बन गया बेटा जी इलोंगेटेड सिकल शेप का, ये दोनों बातें इनके बारे में याद रखना, इट्स ऑल अबाउट।
अब हमारे एनसीईआरटी बुक खत्म होती है। हमारे एनसीईआरटी बुक में हमारे मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ इतने ही दे रखे हैं जिसकी बातें हमने आपके साथ कर ली। अब मैं कुछ बीमारियों की और बातें करूंगा, तो आप ऐसा कीजिएगा, हेडिंग डालो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि अभी एनसीईआरटी से बाहर है, तो जब बोर्ड की पढ़ाई करोगे तो सिर्फ ये पास्ट बीमारियां पढ़ना बेटा जी पे, पर जब बातें होती हैं आपकी कम्पिटिटिव की बेटा जी, तो उसमें कुछ और बीमारियों के नामों की बातें होंगी मेरे भाई यहाँ पे, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो उनकी बातें शुरू करने बेटा जी यहाँ पे, कुछ और बीमारियों की बातें शुरू करते हैं यहाँ पे, छोटा छोटा इनके बारे में पढ़ना है, सिर्फ ये जानना है ये किस प्रकार के जीन से होती है, ताकि बीमारी कहीं आ जाए इनका नाम कहीं लिखा आ जाए तो कंफ्यूज वहां पे ना हो, वो समझ के देखिएगा छोटी छोटी बातें। अगला बीमारी जो आती है उसका नाम बेटा जी आपका यहाँ पे एलकैप्टोन, एक तो भाई नाम को समझ के देखो, आपको मैंने याद करवाता हूँ 11th क्लास के बेटा जी एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, आपने वहां नाम बोला है हिमेटो यूरिया, ग्लाइको यूरिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था फिनाइल कीटो यूरिया, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज होता आप उसे कहते हो कीटोन यूरिया या फिनाइल कीटोन यूरिया, आपने कहा सर ऐसे ही बनता है ग्लाइको यूरिया, अगर डायबिटीज के केस में ग्लूकोज बाहर आ रहा था उसे कहते हो ग्लाइको यूरिया, ब्लड बाहर आ रहा उसे बोलते हैं हिमेटो यूरिया, ये वर्ड पढ़े हैं आपने 11th क्लास में, वैसे दुश्मन वर्ड क्या लेते हैं एलकैप्टोन यूरिया, अगर यूरिन में एलकैप्टोन प्रेजेंट हो, यूरिन में एलकैप्टोन प्रेजेंट हो तो मैं कहूंगा वो क्या बन जाएगा बेटा जी आपके यहाँ पे एलकैप्टोन यूरिया, ठीक है समझ के देखते हैं बेटा जी। हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड बैठा है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे टायरोसिन, हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड बैठा है बेटा उसका नाम क्या है यहाँ पे आपका टायरोसिन, इसका फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए उसका नाम होता है बेटा जी आपका यहाँ पे ऑक्सीडेज, हमें एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा जी ऑक्सीडेज, और आपने कहा अगर ये एंजाइम है तो डेफिनेटली इसको कोड करने वाला कहीं ना कहीं क्या होगा जीन भी होगा, वो जीन में हो गया म्यूटेशन और आपकी बॉडी में ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है, तो इन द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एक मॉलिक्यूल में, और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा बेटा जी आपका यहाँ पे एलकैप्टोन, या हम उसको बोलते हैं होमोजेंटिस एसिड, या तो क्या बोलते हैं एल कैप्टोन या उसमें क्या बोलते हैं होमोजेंटिस एसिड में, वो इसमें हो जाएगा कन्वर्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीडेज एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी क्यों होगी बेटा जी बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द ऑक्सीडेज एंजाइम। अब आप अक्सर अगर ये मेरी बॉडी में बन जाएगा तो ये यूरिन के थ्रू मेरी बॉडी में क्या होगा बेटा जी अपनी बॉडी के बाहर रिलीज होगा, मैं मेरी यूरिन में इसे मैं डिटेक्ट करूंगा तो मैंने कहूंगा ऐसा यूरिनेशन जहां पे यूरिन में ये प्रेजेंट होगा तो बीमारी क्या कहलाएगी बेटा जी यहां पे एलकैप्टोन यूरिया। ये बीमारी हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि इस बीमारी को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था बेटा जी गैरेट, अभी तीसरा फादर आ गया, आपने एक का नाम जाना था बेटा जी फादर ऑफ द जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, अब मैं बोलूंगा फादर ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन की जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो था वो कौन था बेटा जी गैरेट, तो याद रखना गैरेट इज नोन एज फादर ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज एलकैप्टोन यूरिया, इस डिजीज के बारे में बताने वाला कौन था, ये डिजीज सबसे पहले बेटा जी इसी के बारे में बताया गया था यहाँ पे, और मैं कहूंगा पहले जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताने वाला गैरेट था, उसकी इनहेरिटेंस के बारे में बताने वाला गैरेट था, ये है कैसा बेटा जी ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो सेम वही कहानी होगी यहाँ पे कि सर 25% चांस होगी बच्चा कैसा हो जाए डिफेक्टिव हो जाए, प्रोबेबिलिटी सेम चलेगी बट कहानी को समझ लेना है यहाँ पे एंजाइम जो ऑब्सेंट है उसका नाम क्या है ऑक्सीडेज, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसकी डेफिशिएंसी में वो क्या है बेटा जी यहाँ पे एलकैप्टोन, ये उसका दूसरा नाम है, याद रहेगी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे गैरेट पे जो कहना है क्या बेटा जी फादर ऑफ द जेनेटिक्स, चलेगा बेटा जी। अगली बीमारी क्या आती है एल्बिनिज्म, या कुछ एग्जांपल लिखेंगे बेटा जी एल्बिनो, ये क्या होता है जरा कहानी को समझ कर देखते हैं, आप ही कहते सर हमने कहा था टायरोसिन अमीनो एसिड जो होता है यही प्रिकर्सर है किस पिगमेंट का बेटा जी मेलानिन पिगमेंट का, जो आप कहते हो सर ये ब्लैक कलर का पिगमेंट जो हमारी स्किन में जमा होता है स्किन के कलर को देखता है या हमारी हेयर में या हमारी आईज के अंदर भी आईरिस वगैरह में यही पिगमेंट होता है जिससे हमारा बेटा जी यहाँ पे आपका ब्लैक पिगमेंटेशन देने का काम करता है यहाँ पे मेलानिन, ठीक बात आप ही कहते हो इस पिगमेंट को बनाने वाला जो प्रिकर्सर है
इस पिगमेंट को बनाने वाला जो प्रिकर्सर है वो कौन है बेटा जी, टायरोसिन अमीनो एसिड। तो आप ये कहते हो सर हमें यहाँ पे एंजाइम की जरूरत है और एंजाइम का नाम होता है यहाँ पे टायरोसिनेज। बेटा एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, टायरोसिनेज। और ये एंजाइम जो होता है ये टायरोसिन को कन्वर्ट करता है मेलानिन पिगमेंट के अंदर, ये टायरोसिन को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा जी आपके यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट। सोच के देखिएगा अगर आपकी बॉडी में उस जीन में जो कोड करता है इस एंजाइम के लिए उसमें हो जाए म्यूटेशन तो आप कहोगे इस एंजाइम की कमी हो जाएगी, इस एंजाइम की अगर कमी हो जाएगी तो बेटा आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट की भी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर इस पिगमेंट की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, इस पिगमेंट की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई तो आप ये कहोगे हमारे हेयर जो है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे, इवन हमारी आईब्रो व्हाइट हो जाएंगे, हमारे अंदर की जो आंखें हैं वो भी व्हाइट हो जाएंगे, हमारा यहाँ पे विजुअल जो कैपेसिटी वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। इवन आप ये कहोगे सर हमारे पूरी बॉडी पे आपके यहाँ पे आपके पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा, मैं कहूंगा ऐसी बॉडी जो बिल्कुल एकदम व्हाइट सी हो जाए और सारा ब्लैक पिगमेंट खत्म हो जाएगा, मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन जो होगी वो क्या कहलाएगी बेटा यहाँ पे एल्बिनो, या फिर क्या कहलाएगी यहाँ पे एल्बिनिज्म। अब आप कहोगे सर स्किन इनहेरिटेंस को समझो तो मैं कहूंगा चलिए क्या भाई जैसा आपने बाकी में कहा वैसी हम बातें करते हैं। यहाँ पे कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब सिंपल सी बात है भाई, भाई गैमिट बनाओगे सर ये गैमिट बन गया ये गैमिट बन गया ये गैमिट बन गया ये गैमिट बन गया सर, इसको हमने मान लिया फीमेल इसको हमने मान लिया मेल और ये हमने बना दिया उसकी गैमिट। तो सर आपने यहाँ पे जब बच्चे पैदा होंगे तो कैसे होंगे, वही सेम बातें करनी है बेटा। तो आपने कहा देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 25% कि एक हिटरोजाइगस कपल पे कैरियर कपल के बच्चा पैदा हो जाए डिफेक्टिव वाला, कितनी प्रोबेबिलिटी उसके होने की बेटा जी 25% प्रोबेबिलिटी होगी। सेम ये वैसे ही इनहेरिटेंस है जैसा कि आपने बेटा जी पिछले एग्जांपल में पढ़ते आ रहे हो, बस यहां पे आप केस ऐसा करके रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप सबने करना जरूर एक बार प्रैक्टिस सबकी करना यहाँ पे, बट सबका आंसर एक जैसा आएगा, कितना बेटा 25% आएगा। आपने कहा सर एक बिल्कुल नॉर्मल होगा, दो यहाँ पे आपके कैरियर होंगे, एक कैसा होगा यहाँ पे डिफेक्टिव होगा, सबका इनहेरिटेंस कैसा है यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम। बट डिजीज को समझना जहां बॉडी में पिगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो जाए, मतलब इवन आपकी आंखों के अंदर जो आयरिस होता है वहां भी कोई पिगमेंट नहीं होगा, वो भी कैसे हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा, देखने की कैपेसिटी क्या हो जाए विजन कैपेसिटी क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए, पूरी आईब्रो बाल वाल सब पूरी बॉडी कैसे हो जाए व्हाइट हो जाएगी, मैं कहूँ ऐसी कंडीशन क्या है बेटा यहाँ पे एल्बिनो दैट ओकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द पिगमेंट नोन एज मेलानिन, उसकी कमी में ऐसा सारा काम होता है। तो मैं कहूँगा इसी बीमारी का नाम क्या है बेटा यहाँ पे एल्बिनो, याद रखना बेटा। ज्यादा बातें नहीं समझने की, छोटी छोटी बातों से हम इनको समझना है, ठीक है बेटा जी। अगले वर्ड में आते हैं सारे डोमेन वाले, यस अब कहानी को समझना है बेटा जी, मैं तीन डिसऑर्डर समझा रहा हूं, तीनों को समझना नंबर वन। और अब कंडीशन डालो, हेडिंग डालो बेटा जी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये समझना जरूरी है बेटा जी आप लोगों के लिए, हेडिंग डालना ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, अब इस वर्ड में चेंज क्या है सर, अभी तक हमने पढ़ा था ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब एक हेटरोजाइगस कंडीशन है जहां पे एक हेल्दी जीन एक डिफेक्टिव जीन है, तो हेल्दी जीन अगर वहां पे बैठा हुआ है तो डिफेक्टिव जीन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कैरियर था बट वहां पे वो इंसान डिफेक्टिव नहीं हो रहा था, मतलब एक सिंगल जीन भी अगर हेल्दी है तो भी काम चल रहा था आपके उस काम को होने के लिए, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर एक हेल्दी जीन भी बैठा हुआ था तो वहां पे इंसान कैरियर बन रहा था डिफेक्टिव नहीं हो रहा था। आपने ये जो भी बीमारियां पढ़ी उन सब में आपने देखा भाई आरबीसी के लिए नॉर्मल आरबीसी के सेल को करने के लिए एक ही एलील बहुत है ठीक करने के लिए, जब वहां पे कंडीशन हेटरोजाइगस है तो वहां पे इंसान कैरियर है बट वहां पे कभी वो डिफेक्टिव नहीं है। बट यहां मैंने कहा अगर आउट ऑफ द पेयर फैक्टर अगर एक भी डिफेक्टिव हो गया तो भी बीमारी हो जाएगी, आउट ऑफ द पेयर फैक्टर अगर एक भी डिफेक्टिव हो गया तो बीमारी हो जाएगी, मतलब आपको हेल्दी रहने के लिए दोनों के दोनों अलील आपको फंक्शनल चाहिए, अगर एक भी अलील डिफेक्टिव हो गया तो इट लीड टू द डिजीज, ऐसी बीमारी जो होगी वो क्या कहलाएगी यहां पे डोमिनेंट डिसऑर्डर। दोबारा वर्ड को सुनना, आप अभी ये कह रहे थे सर एल्बिनो में ऐसी कंडीशन है तो ये जो इंसान है वो कैरियर है, क्या मतलब इस बात का कि सर इसके पास एक डिफेक्टिव मॉडिफाइड अलील बैठा हुआ है पर एक जो अलील है वो है नॉर्मल, तो मैं कहूंगा उस इंसान को नॉर्मल होने के लिए ए सिंगल अलील इज इनफ टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, एक अकेला अलील बहुत था अपने काम को करवाने के लिए। बट यहां कहानी क्या लगती है, अगर इस तरह से एक अलील भी
यानी कि ये अलील तो है, मैं कहूंगा मतलब आपका सही है, मैंने कहा एक अलील भी अगर यहां पे डिफेक्टिव हो गया, आउट ऑफ द पेयर अगर एक अलील भी यहां डिफेक्टिव हो गया, तो आप ये कहोगे इन दैट केस इंसान क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, उसे दोनों के दोनों अलील क्या चाहिए बेटा, यहां पे हेल्दी चाहिए। छोटा सा वर्ड समझना, ये बीमारी कैसी है बेटा जबकि डोमिनेंट है। अरे समझ के देखो ना यार, इस केस में क्या था, इंप्लांट टोल था, यहां भी क्या था टोल था, अगर एक भी है तो भी भैया जी क्या हो रहा है वहां पे टोल हो रहा है। तो मैं कहूंगा यहां पे अगर एक अलील भी डिफेक्टिव हो गया, एक अलील भी अगर डिफेक्टिव हो गया तो वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब हिट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो डिफेक्टिव अलील फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहा है, तो मैं कहूंगा वो अलील कैसा है बेटा, जहां पे डोमिनेंट अलील है। समझ में आगे बढ़ते हैं, एक अकेला अलील की वजह से भी डिफेक्ट टोलनेस आ रही थी, तो मैं कहूंगा इसका मतलब एक अलील भी अगर डिफेक्टिव हो गया, एक अलील भी अगर डिफेक्टिव हो गया तो इंसान यहां डिफेक्टिव हो जाएगा, मतलब यहां मुझे दोनों के दोनों पेयर अलील हेल्दी चाहिए। एक भी अगर डिफेक्टिव अलील है तो इंसान कैसा हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। मैं कहूंगा यहां पर जो डिसऑर्डर वो कैसा है आपका, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। चले तो बात को समझिएगा, अब जरा कहानी को समझ, देखो मैंने कहा पहली बीमारी जो आपकी उसका नाम क्या है बेटा जी, यहां पे आपका हंटिंगटन्स डिजीज। एक तो बेटा जी डिजीज का नाम हमने रखा है बेटा जी आपके यहां पे सेंटेंस के नाम पे। अब होता क्या, जरा वर्ड को समझ के देखो, हमारे नर्वस सिस्टम में एक बेटा जी प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन का हमने नाम रखा है बेटा जी हंटिंगटन डिजीज। ये प्रोटीन, ये हमारे बॉडी में बेटा जी प्रोटीन है जो क्या करता है बेटा जी, हमारे नर्वस सिस्टम में जो मोटर नर्व है या मोटर कंट्रोल सिस्टम जो है, मोटर कंट्रोल जो सेंटर है बेटा जी, वहां पे जो नर्व फाइबर बैठे हैं ये उन्हें मेंटेन करने का या उनकी एक्टिविटी को हेल्दी रखने का काम करता है। दोबारा वर्ड को सुनना, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन का नाम हमने डिजीज के व्यापी हमने उसका नाम रख दिया हंटिंगटन डिजीज। ये प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है बेटा जी, हमारे नर्वस सिस्टम में आपके कैसे अलग अलग हमारे एरिया है, तो मैं कहूंगा एक ऐसा एरिया जो हमारी स्केलेटल मसल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मैं कहूंगा वो एरिया क्या है बेटा जी, यहाँ पे मोटर कंट्रोल सेंटर। मैंने कहा जो हमारी स्केलेटल मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो एरिया क्या है बेटा, यहाँ पे मोटर कंट्रोल सेंटर। मैंने कहा कौन सा एरिया बेटा जी, दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल। इस एरिया के नर्व सेल को हेल्दी रखने के लिए, फंक्शनल रखने के लिए इस प्रोटीन का होना क्या बहुत ही जरूरी है। अब आपने कहा सर इस प्रोटीन को जो कोड करने वाला जीन था वो डिफेक्टिव हो गया, और अगर वो डिफेक्टिव हो गया तो मैं कहूंगा अब ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और अगर ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो इसका मतलब आप ही कहोगे सर हमारा ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, वहां पे अफेक्टेड हो जाएगा। अगर ये एरिया अफेक्टेड हो जाएगा तो इसका मतलब आपका अपना स्केलेटल मसल के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, आपके हाथ ऐसे शेक करना शुरू कर देंगे, इवन आप अगर बोलोगे तो आपकी जबान तुतलाने लग जाएगी, क्योंकि आपका अब आपकी स्केलेटल मसल पे कंट्रोल ही नहीं होगा। तो मैं कहूंगा इसमें इंसान ऐसे डांस सा करता था, मैं कहूंगा डांसिंग डिजीज है। कैसा बेटा जी, ऐसे वो शेक करेगा उसके हाथ वाथ, क्योंकि अब उसका स्केलेटल मसल पे कंट्रोल ही नहीं, क्योंकि ये एरिया उसका क्या हो गया बेटा जी अफेक्टेड हो गया। दोबारा कहानी को समझो, सब कुछ मैं सेंटेंस के व्यापी नाम रखा, मैंने कहा मैं डिस्कवर करना सेंटेंस के नाम रख दिया उसका हंटिंगटन्स डिजीज, मैंने कहा इसी के नाम पे मैंने रख दिया प्रोटीन का नाम, ये वो प्रोटीन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द वेल फंक्शनिंग ऑफ द नर्व सेल ऑफ द मोटर कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में हमारा वो एरिया जो हमारे स्केलेटल मसल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उस एरिया की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस प्रोटीन का होना क्या बहुत ही जरूरी है। तो मैं कहूंगा इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन में अगर म्यूटेशन होगा, ये प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना, तो मैं कहूंगा नर्व सेल अपने फंक्शन को नहीं कर पाएंगे, और अगर वो फंक्शन नहीं करेगी इसका मतलब हमारा स्केलेटल मसल पर से कंट्रोल बेटा खत्म हो जाएगा। अगर वो कंट्रोल खत्म हो गया तो मैं कहूंगा मेरे हाथ जो होंगे सेक करेंगे, मेरी लेग सेक करेंगे, तो मैं ऐसे भैया जी मैं कहूंगा इंसान इसमें डांस करेगा, वो प्रॉपरली बोल भी नहीं पाएगा। मैं कहूंगा ऐसे जो भैया जी डिसऑर्डर होगा उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज। याद रखना इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इस वर्ड का क्या मतलब है,
मैं कहूंगा इस कंडीशन में कोई भी पेरेंट कभी कैरियर नहीं होता, या तो हेल्दी होता है या डिफेक्टिव होता है। जरा कहानी को समझ कर देखो, जरा सोचिएगा वर्ड को। मैंने कहा भाई ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, उसका एक जिन हेल्दी है एक डिफेक्टिव है, इसके दोनों जिन बेटा जी हेल्दी है, इसके दोनों जिन हेल्दी है, क्योंकि डोमिनेंट रहते हैं यहां पर, इसको दिखा रहा हूं डिफेक्टिव से, ठीक है, समझिए। आपने कहा सर अब यहां जब ये गैमेट बनेगा तो मैं कहूं उस टाइम पे 50% चांस है कि गैमेट ये बने और 50% चांस है कि गैमेट ये बने, तो मैं कहूंगा भाई ये गैमेट के जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पे 50%, इसका मतलब आगे आने वाले 50% जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे बेटा जी, आपके डिफेक्टिव होंगे। जरा समझ के देखते हैं बात को। मैं कहूंगा भाई यहां पे एक जीन मॉडिफाइड है, मैं कहूंगा ये इंसान कैसे है बेटा जी आपका यहां पे डिफेक्टिव है। मैंने कहा यहां पे दोनों जीन भैया जी आपके रिसेसिव फॉर्म में, दोनों जीन यहां पे हेल्दी फॉर्म में, कहूंगा ये कैसा है बेटा जी आपका यहां पे नॉर्मल इंसान है। आप इनकी क्रॉसिंग कराए तो मैं कहूंगा गैमेट कैसे बने, अब आप जब इनकी क्रॉसिंग कराओगे ऐसे बेटा तो क्या बनेगा यहां पर, जरा कहानी को समझ के देखो। ये दोनों कैसे होंगे बेटा डिफेक्टिव होंगे, ये दोनों कैसे होंगे हेल्दी होंगे, तो मैं कहूंगा इफ एनी वन पेरेंट इज डिफेक्टिव देन देयर इज अ चांस ऑफ द 50% ऑफ द पॉपुलेशन और द 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग गेट अफेक्टेड। अब तक आपने कहा था 25% ऑफस्प्रिंग अफेक्ट होते हैं, बट यहां पे कितने अफेक्ट होंगे बेटा जबकि 50%, अगर एक पेरेंट भी यहां पे हिट्रो जाएगा सर तो भी, और अगर ये पेरेंट बेटा जी यहां पे होमो जाएगा सो जाएगा, तो मैं कहूंगा आगे आने वाले सारे के सारे बच्चे ऑल आर डिफेक्टिव। क्रॉस करके देखो समझ में आएगा बात आपको, यहां पे याद क्या रखना, इट इज एग्जांपल ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट। हां जी अगले वर्ड में आते हैं। ऐसे हम कहते हैं बेटा जी हमारी अगली बीमारी जो आती है वो आती है पॉलीडेक्टाइल। सब को बस याद रखना आप ये होते क्या है पॉलीडेक्टाइल, मतलब आपने देखा होगा कई बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास में 6-6 उंगलियां होती हैं, उसके पैरों में पास की जगह 6 उंगलियां हैं, या मैं कहूंगा एक एक्स्ट्रा उसके टोए उसके एक्स्ट्रा उंगली, ऋतिक रोशन देखा होगा ना उसके एक्स्ट्रा प्रेजेंट यहां पे हाथ के, तो हम कहते हैं पॉली मतलब मैनी, पास से ज्यादा अगर हो जाए तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे यहां पे पॉलीडेक्टाइल। ये भी कैसे मेरी बेटा जी यहां पे आपका इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब अगर एक भी जीन उसका है तो भी वो भैया जी कंडीशन आ जाएगी आपके अंदर। ये भी कैसा करेक्टर है बेटा जी आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर। अगला बेटा जी यहां पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इस फोर्स में समझ लो बेटा जी, मैंने वर्ड बोला बेटा जी मायोटोनिक, मायो वर्ड इज यूज फॉर द मसल और टोन आप कहते हो अपने एक स्ट्रक्चर को अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, उसके अपनी एक शेप वो मेंटेन रहेगी भैया, उसका अपनी स्ट्रक्चर अपना मेंटेन रहता है, मैं कहूंगा वो है उसकी टोन। ओके आपने कहा क्या होता है मसल्स के अंदर जो फाइबरस प्रोटीन है जो उसकी कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन है वो डिफेक्टिव हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा जी द रेट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टिलिटी तो बढ़ जाता है और रिलैक्सेशन होने का रेट क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। वर्ड को समझना, आप ही कहते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, यहां पे क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत जल्दी फास्ट कर रही है बट रिलैक्स होने का वो काम नहीं कर रही है, मैं कहूंगा मसल्स लंबे टाइम तक क्या रहेगी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रह रही है। दोबारा वर्ड को समझना, मैंने कहा यहां पे मायो वर्ड का मतलब मसल और टोनिक का मतलब उसके अपनी जो शेप है उसका जो साइज है वो यहां पे डिफेक्ट होने वाला है, उसका यहां पे स्ट्रक्चर खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होगा, इस कंडीशन में जो मसल का जो इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो इंक्रीज हो गया बट जो स्पीड ऑफ द रिलैक्सेशन है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया, ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया मसल्स की वजह से पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया, मसल्स यहां पे आपकी ब्रेकडाउन होगी डैमेज होगी, मैं कहूंगा वहां कंडीशन क्या बन जाएगी आपके यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये भी कैसी बीमारी है बेटा जी यहाँ पे इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए ऑटोसोमल डोमिनेंट के, कौन कौन से बेटा जी यहाँ पे आपको अभी आपने पढ़ा Huntington's disease, आपने कहा बेटा पॉलीडेक्टाइल, आपने बोला बेटा जी मायोटोनिक, तीनों एग्जांपल है, मतलब अगर एक अलील भी यहां पे डिफेक्टिव है तो भी कंडीशन आपको हो जाएगी ऐसी बेटा जी, ठीक है। मतलब तीनों कंडीशन में 50% ऑफस्प्रिंग ऑफ ए हिटेरोजाइगस पेरेंट आर सो द करेक्टर ऑफ द डिजीज, ठीक है। अगले वर्ड में आ जाते हैं, अगला मैंने बोला बेटा जी यहां पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसका नाम लिखा यहां पे
डच नी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसका जो होता है बेटा ये याद रखना, इट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मतलब मैंने आपको आपके एनसीटी के यहाँ पे दो बीमारियां लिखवाई थी जो एक्स लिंक्ड थी। वो कौन सी दो बीमारी थी बेटा जी यहाँ पे? एक तो आपने कहा था सर हमने पढ़ा था हीमोफीलिया, एक हमने पढ़ा था कौन सा बेटा जी आपका यहाँ पे, आपने पढ़ा था बेटा जी यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। उसी में एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल क्या है बेटा जी यहाँ पे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डीएमडी। इसमें भी ऐसा ही होता है, मैं आपको बता दूं बेटा जी डिस्ट्रोफी, ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा जी, ये बेटा जी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो होते हैं बेटा जी ये मसल्स के अंदर मैसेज को ट्रांसफर करते ताकि सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकल सके। ऐसा कुछ बात होती है, जरा समझ के देखना, हमारी मसल्स जो होती है आप ही कहते सर हमारी स्केलेटल मसल में ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, हम उसे बोलते हैं बेटा जी टी ट्यूब्यूल्स, जहां पे हमारे न्यूरॉन्स ने आके मैसेज दिया बेटा जी, ये हमारा बेटा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें स्टोर होती है बेटा कैल्शियम। तो मैं कहता हूं टी ट्यूब्यूल्स से और यहां तक जो मैसेज लेके जाने का काम करता है वो कौन करता है बेटा जी आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, जब ये मैसेज यहां जाएगा तो यहां से क्या निकलेगा बेटा जी कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम जब निकलेगा तो मसल अपने आप को क्या करेगी बेटा जी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब जरा सोचो इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन डिफेक्टिव हो गया तो आपको अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो सिग्नल यहां तक नहीं जाएगा, यहां तक अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो आप कहोगे यहां से कैल्शियम का रिलीज नहीं होगा, कैल्शियम का अगर बेटा रिलीज नहीं होगा ना तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो विद द टाइम मसल्स अपने स्ट्रक्चर को क्या कर देगी यहाँ पे लॉस कर देगी। मैं कहूंगा ये वाली जो कंडीशन है वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे आपका डीएमडी। इसका जो जीन है जो डिस्ट्रोफिन बनाने वाला जीन है जो बेटा इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो इसके ऊपर वही सारी बातें लागू होती है जो आपने हीमोफीलिया के लिए बोला था बेटा जी, चांस ऑफ द डिजीज इज मोर इन द मेल इन कंपेरिजन टू द फीमेल। वही से इनहेरिटेंस पढ़ोगे जो आपने उन दो केस में पढ़ी थी बेटा जी यहाँ पे, ये आपके एक सेक्स लिंक्ड है बेटा जी और एक्स लिंक्ड बेटा जी डिजीज है यहाँ पे आपका, ये हो गया। बट है कैसे ये भी आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव है बेटा, लिख दें यहाँ पे ये भी कैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बिल्कुल उनके जैसा ये कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। अब कहानी को जरा समराइज करते हैं, मैंने आज आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर खत्म कर दी, इसका क्या मतलब है बेटा जी यहाँ पे हमने यहाँ पढ़ लिया बेटा जी यहाँ पे सबसे पहले वो पास डिजिट छह डिजिट जो हमारे एनसीईआरटी बुक में उनका इनहेरिटेंस कैसे कैसे होता है उनके बारे में बातें की, फिर मैंने कुछ आपसे अलग बातें की, मतलब मैंने म्यूटेशन अगर मैं आपको दिखाऊं आपके एनसीईआरटी बुक में तो आप ये कह सकते हो सर यहाँ पे हमारा टॉपिक है म्यूटेशन का, ये हमने पढ़ा, इस म्यूटेशन के बाद हमने पढ़ लिया बेटा जी मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये आपके बता रखे अलग अलग डिसऑर्डर, और सर ये हमारा हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये हम पहले पढ़ चुके, मतलब हमने म्यूटेशन के रिलेटेड सारी बातें खत्म कर ली, म्यूटेशन क्या होता है कैसा कैसा होता है जीन में होता है तो क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी हमने सारा खत्म कर लिया। इस बुक को अगर आपने पढ़ा तो इस बुक में अब हमारे दो टॉपिक रह गए बेटा जी, एक टॉपिक बच गया हमारा यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस, एक बेटा हमारा टॉपिक बच गया यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस, और एक हमारा टॉपिक बच गया बेटा जी यहाँ पे छोटा सा टॉपिक बच गया म्यूटाजन, और फिर हमारा बच गया सेक्स डिटरमिनेशन इन द ऑर्गेनिज्म। मतलब अगले आने वाले दो लेक्चर्स में ये बातें खत्म हो जाएंगी यहाँ पे, अब आपका जेनेटिक्स वाला चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा जी, तो रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी डाउट आने लीजिएगा, आने वाले दो लेक्चर्स में ये जेनेटिक्स खत्म होने वाला है, प्लीज एक बार एनसीईआरटी बुक की अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेन एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल मैंने बड़े ही धीरे धीरे बड़े अच्छे से आपको समझाई, उनको अच्छे से नोटबुक में लिखना, उसके बाद डिजीज के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई, ज्यादा डिटेल में हमने उसको नहीं पढ़े, जितना हमारे काम की चीज है जो हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करने में काम आएगा इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। तीन यहाँ पे ऑटोसोमल डिजीज बताई मैंने यहाँ पे जो डोमिनेंट है, और मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव, मैंने बताया आपको तीन यहाँ पे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले, मैंने कोई भी एग्जांपल नहीं दिया आपको यहाँ पे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का, तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, ये जो मैंने आपको डिजीज बताई इन्हीं के बारे में आपको बातें याद रखनी है। इट्स ऑल अबाउट म्यूटेशन, इट्स ऑल अबाउट जीन म्यूटेशन, इट्स ऑल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो आप पढ़िएगा ना अच्छे से, प्रॉब्लम हो तो पूछेगा, चलिएगा।